गाइज विद द हेयर केयर आई थॉट टू टेक केयर ऑफ द स्किन एज वेल, तो मैंने एक प्रिपरेशन प्रिपेयर की है एंड उसी को मैं अपने फेस पे अप्लाई करने जा रही हूँ। तो जो उसका रिजल्ट होगा वो थोड़ी देर में मैं शेयर कर दूंगी जब मैं अपना फेस वॉश करूंगी तब। हाँ, इसी वीडियो में ही ऐड कर दूंगी उसको ताकि आपको दूसरी वीडियो में जंप नहीं करना पड़ेगा रिजल्ट्स के लिए, ठीक है, हेयर के लिए भी एंड फेस के लिए भी। तो जो प्रिपरेशन की थी वो मैं भी डाल देती हूँ। ये देख लो, ये बनाया था। मुझे चाहिए पपाया के बीज, चावल और मुझे चाहिए है ग्रीन टी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी लूँगी और उनको मिक्स करने वाली हूँ अच्छे से, फिर उनका पेस्ट बन जाएगा, ठीक है। अभी मैं दिखा देती हूँ कितना कितना क्या क्या ले रही हूँ। इतनी सी मैंने ग्रीन टी ली है, एक वैसी पाउच वाली आती है, ठीक है। अगर वैसे वाली है आपके पास तो दो पाउच आप ले सकते हो, ठीक है। अगर कम बना रहे हो तो थोड़ा सा एक ले लेना, नहीं तो दो ले लेना, ठीक है। अभी राइस एक मुट्ठी भर के डाला, एक और डालूंगी, दो मुट्ठी डाल दी मैंने राइस। अब इनको पहले मैं ग्राइंड करूंगी, उसके बाद मैं ये पपाया वाली चीज़ें डालूंगी, पपाया के जो बीज हैं वो डालूंगी। ये मैंने निकाल लिए हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि फिर ये ना गीले हो जाएंगे, अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाएंगे, इसलिए अभी थोड़ा और ग्राइंड करती हूँ। मैंने इनको निकाल लिया साइड में, और ज़्यादा ग्राइंड नहीं हो पा रहे। अब इसमें ये पपाया के बीज डाल दूंगी एंड मैं क्या डालूंगी, इसमें थोड़ा सा पपाया भी ऐड कर दूंगी इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा दूध मिलाने वाली हूँ। अभी जो राइस एंड ये हो गया है, ठीक है। अभी जो क्या है, ये पाउडर मैंने डाल दिया जो राइस का, और मैंने जो ग्रीन टी से पाउडर बनाया था वो वाला भी इसमें ऐड कर दिया है। अभी मैं इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने वाली हूँ एंड अब थोड़ा सा इसमें दूध जाएगा। दूध इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है एंड थिकनेस हो गई है, तो इस वजह से दूध डाल रही हूँ। एंड वन मोर थिंग, मैं इतना ज़्यादा इन सभी के बारे में नहीं एक्सप्लेन कर रही, बट ईच एंड एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी गुड फॉर द स्किन, ठीक है। अभी ये गर्मियों में जो स्किन बर्न होता है, स्किन जितने भी डेड सेल्स होते हैं सभी को रिजनरेट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये वाला। बट हाँ, जो भी अगर नई सॉफ्ट स्किन है, जिनकी नई स्किन बोल रही हूँ मैं, जो भी सॉफ्ट स्किन है ना, उसके लिए थोड़ा सा ये जलन महसूस होगा आप लोगों को। अगर बहुत ज़्यादा जलन लगे तो प्लीज़ इसको वॉश ऑफ देना। हाँ, बट स्टार्टिंग में थोड़ी सी जलन होगी फर्स्ट टाइम अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हो तो, सेकंड टाइम में बट इतना ज़्यादा इसका जलन वाला सीन नहीं होएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा पपीता और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ, ओके, इतना सा ही, उससे थोड़ा सा थिक पेस्ट हो जाएगा, ओके। और फिर हम इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में 3-4 वीक के लिए, तो नहीं 1-2 वीक के लिए हम इसको स्टोर कर सकते हैं। और इसको 10-15 मिनट्स फेस पे रखना होता है, उसके बाद हम इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं फाइनल इसका दिखाती हूँ बनने के बाद कैसा दिख रहा है, ओके। तो ये पेस्ट कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। एंड इसको फ्रिज में रखने के बाद ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, फिर आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं बाद में, ठीक है। जो उसके सीड्स थे ना, उनकी स्मेल सी आ रही थोड़ी सी, तो ये नेचुरल चीज़ें हैं तो थोड़ा सा तो बियर करना पड़ेगा, नहीं तो आप कोई भी दूसरे प्रोडक्ट्स लेके आ सकते हो, ठीक है। तो ये मैं ऑल ओवर द फेस इसको अप्लाई करने वाली हूँ अपने हाथ से ही, बिकॉज अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा एंड इट विल बी गुड ऑल्सो। फेस वाले को रखना है 10-15 मिनट्स एंड लगा लो, मैं तो लगा लो, क्यों लगा लो ना, मैं ना लगाऊं, यही तो नहीं लगाया करी कि तुम बड़ा कर दी हुई वाटा लो, तो कई दिन लगाएंगे। हां तो मैं ना लगाऊं, तू लगा ले, भी तुम रात कर दी लगा लो ना, मैं ना लगाऊं, मैं ना आऊंगी लगा लो ना, डर जाएगा, डर डर जा, मम्मी को देखना है, मम्मी कहाँ है, देखो बेटा इधर, आंखें बंद करके घूम रहे,
मेरे साथ एक सेल्फी ले लो। कम सेल्फी। अच्छा लग रहा हूँ ना बेटा मैं? बाबू बहुत ज्यादा जलन हो रही है भाई। क्या है ये, क्या मिलावट करी है तूने इसमें? हाँ वो तो मैं वीडियो में बताऊंगी, ऐसे नहीं बताने वाली मैं। स्किन को कुछ हो गया तब? स्किन का कुछ हो गया तब ले चलना मुझे स्किन वाले डॉक्टर के पास। वो भाग गया, सोच रहा है नो कमेंट्स। ये ड्राई हो गया है एंड अब मैं इसको वॉश करने जा रही हूँ। ये देखो ऐसा हो गया ड्राई होने के बाद। एक चीज है इसमें कि जब ये वेट था उसी टाइम पे ये थोड़ा सा जलन कर रहा था, बट अब कुछ जलन नहीं हो रही है। तो 10-15 मिनट्स तो हो गया है, तो अब मैं इसको वॉश करने जा रही हूँ। ठीक है, अच्छा फील हो रहा है, लग रहा है कुछ अच्छा सा रिजल्ट आया है इसका। ठीक लग रहा है, अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हैं इसको, इतना बुरा भी नहीं है। तो वेस्ट करने से तो अच्छा है कि उसका यूज कर लें एंड इट इज गुड ऑल्सो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो जस्ट अभी मैं नहा के आई हूँ एंड मम्मी और समर दोनों तो सो रहे हैं, मैं जगी हुई हूँ, देखती हूँ क्या क्या करती हूँ जल्दी जल्दी से। तो एक और जो मेरा पार्सल था जिसका मैं वेट कर रही थी वो भी आ गया है, तो उसकी भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ जल्दी से एंड वो भी आप लोगों को मिल जाएगी प्रोडक्ट रिव्यू में। ठीक है, एंड वन मोर थिंग जो मैंने कल ऑर्डर किया था वो भी आ गया, जो गाड़ी के लिए स्टैंड मैंने ऑर्डर किया था तो वो भी आ चुका है। तो उसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं जल्दी से, देखते हैं कैसा आया है। ठीक है, एंड एक राइड लेनी पड़ेगी तभी तो पता चलेगा कि अच्छा है कि नहीं है, उसी के हिसाब से हम उसको रखेंगे। एंड उसका रिव्यू तो बाद में मिलेगा क्योंकि उसको लगाने के बाद पता चलेगा कि कितना अच्छा है कितना और अच्छा वो नहीं है, बट हाँ उसको हम फिलहाल देख सकते हैं कि वो है कैसा। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स ओपन इट। वाओ, इट इज नाइस क्योंकि ये 360 डिग्री पे रोटेट कर रहा है तो इट विल बी गुड। और ये यहाँ ऊपर मिरर में लग जाएगा, ऐसे मिरर पे लगेगा ये, उसके बाद हम कैमरे को यहाँ पे लगा सकते हैं, अपने फोन को यहाँ लगा सकते हैं एंड ये रोटेट हो रहा है 360 डिग्री पर, ये देखो ऐसे। तो मुझे जहाँ की भी वीडियो शूट करनी है मैं इजीली इसे कर सकती हूँ, तो आई गेस दिस इज अ गुड वन। हाँ बट एक्चुअल तो उसमें लगाने के बाद ही पता चलेगा कि कितना अच्छा है कितना और अच्छा नहीं है, बट हाँ फिलहाल के लिए तो आई फील इट इज गुड क्योंकि इतनी ज़्यादा रिसर्च मैंने इस पर नहीं की थी, बस मैंने इसको बाय कर लिया था क्योंकि इसका कॉस्ट भी कम ही था, तो इसी वजह से। बट इसकी बॉडी प्लास्टिक की है, मेटल की नहीं है, तो शायद ही जल्दी से टूट जाएगा, बट ठीक है फिलहाल के लिए तो ठीक ही है क्योंकि चाहिए था, हम बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, यू गाइस नो इट राइट। ओके सो ये इसके अंदर भी आ गया, तो ये कुछ ऐसा है। गाड़ी में लगा के इसको फिर ट्रैवलिंग करके देखते हैं, थोड़ा सा थोड़ी सी ड्राइविंग करके आएंगे फिर पता चलेगा कि कितना सही है कितना सही नहीं है ये वाला। ओके, दिख तो अच्छा रहा है, मतलब रोटेशन का ही वो होता है कि एक जगह पे फिक्स ना रहे, ये फिक्स नहीं है एंड इट इज मूविंग, तो आई गेस इट विल बी गुड ओनली। टूटने का तो क्या ही है कि एयर के साथ रखना पड़ता है सब कुछ, नहीं तो टूट ही जाता सब कुछ ही, प्लास्टिक हो या फिर मेटल हो, मेटल भी तो टूट ही जाती है ना। चलो फिर दिखाते हैं, कोई उठेगा तब, सब सो रहे हैं अभी तो मुझे उठाना पड़ेगा उन लोगों को, नहीं तो वो फिर रात में नहीं सोएगा स्मार्ट।
एक डेढ़ घंटा हो गया इनको सोए हुए। वाह कितने चमक रहे हैं ना। चाय के साथ एडिटिंग हो रही है, बस थोड़ा सा काम पड़ा है इसमें, उसके बाद मैं इसको अपलोड कर दूंगी। उसके बाद पीछे पौधे बेचारे सूखे पड़े हैं, उनमें पानी डलेगा एंड आई विल गो डाउन। आप लोगों के लिए वीडियो डाल रही हूँ, फटाफट तैयार हो जाओ देखने के लिए। काम होता है जो फोन से करना पड़ता है तो इसलिए मैं फोन ले रही हूँ। ये देखो वहाँ से एडिटिंग करके तो आ गई मैं, एंड वो जो टॉप था वो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। मैं दिखाने वाली हूँ मम्मी को, मम्मी को दिखाऊंगी मैंने टॉप को यहाँ पे लगा दिया। मम्मी किचन में बुलाती हूँ उनको जल्दी। मम्मी हाँ? देखो इधर देखो। हाँ ले लो, अब मैं दुकान लगाऊंगी इधर, दो तीन और टांग दूंगी अपने, फिर बोलूंगी आ जाओ आंटी जी ले लो टॉप, 100 रुपए का एक टॉप है। 100 रुपए में तो कोई ना देता, मैं तो 400 का दूंगी, 500 का तो ठीक है, 100 रुपए बचने चाहिए मेरे, है ना। 500 रुपए का टॉप है, अभी आ जाओ किसी को लेना है तो 500 का टॉप आ जाओ आ जाओ। वो भाग्य भाई मेरे ग्राहक के गाया था मुझके से, वो भाग गया। टूट गया, किसी और को पकड़ लूंगी, अपना टॉप को बेचूंगी फिर। यस आई विल डू दैट फॉर श्योर। चिंगलाला आज की गोल गोल 360 वाली डिग्री की है ये मेरी, घूम गया रे सिर बाबा, बस करो बस करो, हो गया हाँ। पता है तुम्हें 360 डिग्री का एंगल लेना आता है, हम समझ गए, बंद करो, हम घूम पे रे पगलियाँ।